अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर रीवा के सेंट्रल जेल से 29 कैदी रिहा किए गए, जिसमें 27 पुरुष 2 महिला शामिल थी। मध्य प्रदेश शासन की नई नीति के तहत अब साल में 4 बार कैदियों को आजाद किया जाएगा। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर रीवा के केंद्रीय जेल से आजीवन कारावास के 29 कैदी रिहा किए गए, जिसमें से 27 पुरुष 2 महिलाएं। इन सभी ने मध्य प्रदेश शासन की नई पॉलिसी, जो कि 22 सितंबर को आई है, के तहत 14 साल सूखे और 6 साल माफी की सजा पूरी कर ली थी। यह सभी आजीवन कारावास के कैदी थे। निर्धारित मापदंड को पूरा करने वाले सभी 29 कैदियों को आज रीवा की सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया, उन्हें आज़ाद कर दिया गया। आज रीवा के सेंट्रल जेल से कैदियों ने रिहाई पाई। 29 कैदियों को रिहा किया गया, जिसमें 27 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। देखिए, 15 अगस्त और 26 जनवरी की तर्ज पर शासन की अभी जो नई पॉलिसी 22 सितंबर 2022 से बनी हुई है, उसके तहत अब कैदी साल में 4 अवसरों पर रिहा होंगे। 26 जनवरी, 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर गांधी जयंती। आज 2 अक्टूबर को शासन की नई पॉलिसी के तहत केंद्रीय जेल रीवा से भी 29 कैदी रिहा हो रहे हैं। इसमें 27 पुरुष कैदी हैं और 2 महिला कैदी हैं। ये सभी कैदी आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे थे। इन कैदियों ने 14 साल सूखे और 6 वर्ष माफी, ऐसे करके कुल 20 साल कंप्लीट कर लिए हैं। जो शासन की नई पॉलिसी है, उसके तहत ये निर्धारित मापदंडों पर खरे उतरे हैं। शासन से कल इनकी रिहाई का हम लोगों को रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उसी के तहत हम इनको आज केंद्रीय जेल रीवा से रिहा कर रहे हैं। प्रेमिया बाई नाम है। कब से आप यहाँ सजा काट रही हैं? मैं 2009 में आया हूँ यहाँ। 2009 में? हाँ, सजा पढ़ के 2005 में बंद रहा हूँ शहडोल जेल में, फिर वहाँ से यहाँ सजा पढ़ के आया हूँ मैं। यहाँ 12, 13, 14 साल में सजा काटा, अच्छी से रहा मैं और रिकॉर्ड सही रहा। मोर साहब अच्छी देखभाल करत रहे, नंबरदार पुरान रहा, मैं महिलान का बहुत देखभाल करत रहा, खाना से पीना से गोली दवाई से सब चीज़ से सेवा जतन करत रहा मैं। साहब खूब मानत रहे मैं। संतोष शुक्ला। तो भाई कब से आप यहाँ सजा काट रहे? 26 सितंबर 2004 से। किस तरह आपका यहाँ पर हो रहा है? बहुत अच्छा रहा है। आज आपकी रिहाई हो रही है? आज रिहाई हो रही है और ये सभी जेल प्रशासन के कर्मचारी, अधिकारी कर्मचारी सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और माननीय केंद्रीय जेल रीवा के सभी कर्मचारियों ने यहाँ गणेश भगवान की पहले बार स्थापना की और गणेश भगवान पूरे विघ्नों को नष्ट करते हुए अब माता जी के आने पर सभी बंदियों की रिहाई हुई।